अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। जीत वाली फिनिशिंग लाइन बस एक ही कदम की दूरी पर होती है और तभी वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से लास्ट मिनट में हट जाते हैं। जीतने वाले लोग और लास्ट मिनट तक लड़ने वाले लोग कहीं किसी दूसरे ग्रह के नहीं होते, वो यहीं के हमारे आसपास के होते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब शुरू किया है ना और जब ठान लिया है तो पीछे नहीं हटना, पीछे हटने का कोई मीनिंग नहीं बनता। सक्सेसफुल होने का सही मतलब ये है तुम्हारा जो असली मकसद था तुमने उसको अचीव कर लिया, यानी पूरा युद्ध जीत लिया। और पूरा युद्ध जीतने के लिए तुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, अपने 100% का भी 100% देना पड़ेगा, और 100% देने के लिए तुम्हें 1x1 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। जहाँ पर भाई आज तू खड़ा है ना, वहाँ से तेरे लिए जो जरूरी है उसे शुरू कर। फिर भी जो तुझे पॉसिबल लग रहा हो कि हाँ यार मैं ये कर लूंगा, उसे कर। इतना करते करते तू उस लिमिट तक पहुँच जाएगा जब तुझमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की पावर आ जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार इतना कर लिया तो मैं ये भी कर ही लूंगा। और यही जुनून जीतने का जुनून है। इसलिए अपने दिल को पत्थर बनाकर अपनी आत्मा का गला घोट दो और वो बन जाओ जो वो हमें बुलाते हैं। अंधकार हमारा नसीब है तो अंधकार ही सही। कल तक हमें दरिंदा कहने वाले आज देखेंगे कि असल दरिंदगी क्या होती है। अपने आप को थोड़ा थोड़ा दर्द देना सीखो और ध्यान और योग से अपने आप को जोड़ो। ध्यान तुम्हारे मन को बदलेगा और योग तुम्हारे शरीर को, और इस ताकतवर मन और ताकतवर शरीर से ही तुम इस जीवन रूपी युद्ध को लड़ पाओगे। नहीं तो सिर्फ मेडिटेशन रूपी दवाई लेते रहोगे और कुछ जीवन तो खैर चल ही जाए, थोड़ा बहुत तो कट ही जाए। मजबूरियां सपनों को खा गई वरना, मुझे खानदान में सबसे अव्वल बनना था। अब हर महीने बस तनख्वाह का इंतजार रहता है, मैं भूल चुका हूँ कि मुझे कुछ और बनना था। आपको एक बात बताए, आपकी पूरी जिंदगी बनाने के लिए ना दो इंसानों ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, वो है आपके माता पिता। और जब आपकी बारी आएगी ना तो आपको भी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, और मेहनत करनी पड़ेगी यार। क्योंकि शहर दी हवा की कहती है भाई शहर दी हवा का फिक्र पतंगा नूं हुंदा, बाजा नूं थोड़ा हुंदा। वो आएगा नहीं लेकिन मैं अभी भी उसी का इंतजार करता हूँ। एक तरफा ही सही लेकिन मैं अभी भी उसी से प्यार करता हूँ। मेरा भी एक सपना था कि जिस तरह सपने को पूरा करने की एक कीमत होती है, उसी तरह उसकी टूटने की भी एक कीमत होती है। मेरे पास खामोशी के सिवा कोई हल नहीं है मैं बात करता हूं तो बात बिगड़ जाती है। न मिलने वालों से कोई गिला नहीं करते, हम उनसे जाके मगर खुद मिला नहीं करते। हवा में डोलते तिनकों को क्या खबर आरिफ, पहाड़ अपनी जगह से हिला नहीं करते। ना मुझसा कोई साधु है और ना मुझसा हैवान भी, मुझ में ही एक संत है और मुझ में ही शैतान भी। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। और हम उन लोगों में से हैं जिन्हें आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। खुद पर इतना भरोसा है, जहां कोई साथ ना दे वहां अकेले खड़े रह सकते हैं। जेड़े पैसे देके चले कलाकारां विचों ना गली बात। इतनी मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, आप जाए किसी और को सीधा कीजिए। अरे शक नहीं पूरा यकीन है मुझे, यहाँ सच में कोई किसी का नहीं होता।
लड़कियों का तो ये सारा जमाना दीवाना है, पर मुझे दौलत अपने माँ बाप के लिए कमाना है। आसमान में उड़ने वाले बाज तितलियों के पंख नहीं पकड़ा करते। शौक से जाओ जिसे जाना है, कोई और आएगा मतलब का जमाना। Nothing is permanent, so don't stress yourself too much, because no matter how bad the situation is, it's gonna change. कसम है मुझे कोई शौक नहीं था मोहब्बत का, तुझे देखा एक नजर तो दिल बगावत कर बैठा।